फीफा वर्ल्ड कप में रोमांच दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर से टीम से सुपर 16 में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही हैं। इसी के साथ 28 नवंबर की देर रात लुसेल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के मैच में पुर्तगाल ने टीम उरुग्वे को 2-0 से डिफीट किया और सुपर 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट और मैं हूँ आपके साथ ध्रुव। अब पुर्तगाल टीम का जिक्र हुआ है जिसके बाद टीम के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र होना वाजिब है, लेकिन आज उनका जिक्र शायद कुछ लोगों को यहां वाजिब ना नजर आ रहा हो, क्योंकि इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखकर कुछ फैंस ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। माना कि टीम के स्टार है क्रिस्टियानो, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि स्टार प्लेयर की बजाय कोई और खिलाड़ी टीम की जीत का खास कॉर्नर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, और हुआ भी यही। टीम के प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस ने इस मैच में मेजर रोल प्ले किया। तो आइए कल के मैच में एक बार नजर डाल लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कल का मैच किस कदर रोमांच से भरा रहा, और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे अपनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। पुर्तगाल वर्सेस उरुग्वे मैच हाइलाइट्स। मैच के फर्स्ट हाफ तक दोनों टीम में से किसी भी टीम के खाते में कोई एक भी गोल नहीं आया। दोनों टीम्स के बीच मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा था। टीम पुर्तगाल कोशिश तो कर रही थी गोल करने की, लेकिन शॉट टारगेट पर नहीं बैठ सका। वहीं एक अच्छी कोशिश उरुग्वे के लिए रोड्रिगो ने भी की। उन्होंने ओपोजिशन टीम के लिए दो डिफेंडरों को मात देते हुए गोल करने का फुल ट्राई किया, लेकिन अफसोस उनकी बॉल डायरेक्ट शॉर्ट गोलकीपर डियागो कोस्टा से जा टकराई। सेकंड हाफ में ब्रूनो फर्नांडिस ने बदला मैच का रुख। सेकेंड हाफ के शुरुआती 10 मिनट के अंदर ही टीम के खिलाड़ी ब्रूनो फर्नांडिस ने पुर्तगाल टीम के लिए 54वें मिनट में अपना पहला गोल दागा। हालांकि इस दौरान एक मौके पर लगा गेंद पर जो आखिरी टच था वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था, और वह गोल करने का जश्न भी बना रहे थे, लेकिन इस गोल का क्रेडिट तो ब्रूनो फर्नांडिस को ही मिला। वहीं खिलाड़ी ने अपना दूसरा गोल 93 मिनट में किया, जो उन्होंने पेनल्टी के जरिए किया। जोस जिमेनेस के बॉक्स में हैंडबॉल करने की वजह से टीम पुर्तगाल को यह पेनल्टी दी गई थी। ग्रुप एच में पुर्तगाल टॉप पर। पुर्तगाल ने दोनों मैच जीतते हुए ग्रुप एच में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर अपनी जगह बना ली है। वहीं घाना की टीम 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर इस टेबल पर मौजूद है, और 1-1 पॉइंट्स के साथ साउथ कोरिया तीसरे और उरुग्वे चौथे नंबर पर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम फीफा के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।